ब्लॉगर पे एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए क्या आपका टेम्पलेट मैटर करता है, जो थीम आप यूज़ करते हो वो मैटर करता है या नहीं, क्या किसी भी थीम के ऊपर किसी भी टेम्पलेट के ऊपर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, या फिर कोई स्पेसिफिक थीम कोई टेम्पलेट आपको यूज़ करना पड़ेगा गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। यही सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, छोटा सा वीडियो है, वीडियो कोई लंबा नहीं होने वाला। तो चलो यार, बगैर टाइम को वेस्ट किए यहाँ पे अपनी आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यही कहना चाहूँगा, चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पूरी एक सीरीज चल रही है ब्लॉगर पे एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। कितने वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, कितने आर्टिकल लिखने चाहिए, किस तरह से आर्टिकल लिखने चाहिए, और यहाँ पे SEO कैसे करनी चाहिए, सेटिंग ब्लॉगर की कैसी हो तब एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, एक एक चीज़ यहाँ पे आपका भाई आपको बता रहा है पूरी अलग अलग वीडियोस के ऊपर डिटेल में। वीडियो तो आ रही है, 3-4 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी। वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलते हैं यार, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ, आपके भाई ने न्यू सिस्टम बनवा लिया है, कंप्यूटर न्यू बनवा लिया है ब्लॉगिंग के लिए, यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। तो यार काफ़ी एक्सपेंसिव कंप्यूटर बनाया आपके भाई का। अगर आप लोग चाहते हो कि यार इस कंप्यूटर पे मैं एक वीडियो बनाऊँ, स्पेसिफिक आपको बताऊँ इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने लगवाई है, क्या क्या सेट करवाया है, ताकि मेरी ब्लॉगिंग जो है बहुत फास्ट हो सके। इसके अलावा यार यहाँ पे जो यूट्यूब वीडियो एडिटिंग वगैरह इधर उधर की चीज़ें हैं वो भी अच्छे से हो सके। तो इसके अलावा मैं एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह इधर उधर की वेबसाइट्स भी अच्छे से चला सकूँ। तो यार क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए, अगर आप लेना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, मुझे बता देना नीचे कमेंट्स करके। चलो यार यहाँ पे अब बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे भाई ब्लॉगर पे अगर आप लोग गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो तो यहाँ पे टेम्पलेट मैटर करता है। जी हाँ मेरे भाई, थीम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। जब तक आपके वेबसाइट की लुक जो है ना अच्छी नहीं होगी, आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अच्छे का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव यहाँ पे टेम्पलेट लेके लगाओ, बहुत ही अच्छी लुक हो आपके टेम्पलेट की, तब जाके आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। नहीं, अच्छे से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप टेम्पलेट यूज़ करने वाले हो वो गूगल एड्स फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आपका टेम्पलेट एड्स फ्रेंडली ही नहीं होगा तो आपको एडसेंस का अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई एड्स फ्रेंडली टेम्पलेट लेके, चाहे उसकी लुक अच्छी नहीं है, ठीक है, फजूल लुक है, लेकिन फिर भी आप लोग वहाँ पे एड्स फ्रेंडली टेम्पलेट यूज़ करते हो और उसके ऊपर एडसेंस का अप्रूवल ले लेते हो, उसके बाद आप टेम्पलेट चेंज कर लो, फ्री वाला लगा लो, प्रीमियम लगा लो, कोई भी लगा लो, तो मैटर नहीं करता। तब भी एड्स वहाँ पे डिस्प्ले हो गए, एडसेंस का अप्रूवल वैसे ही रहेगा। थीम चेंज करोगे, एडसेंस का अप्रूवल कभी भी नहीं जाएगा। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे आपको यही कहना चाहूँगा टेम्पलेट जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है एडसेंस अप्रूवल के लिए। उन कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए, उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाना वहाँ पे, कोई भी 5 टेम्पलेट हो गए, कोई एक टेम्पलेट आप यूज़ कर लेना, उनमें से कोई एक भी यूज़ कर लेना, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। आपका भाई पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा है, यहाँ पे फ्री डोमेन के ऊपर उन टेम्पलेट्स को यूज़ करके मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया, पेड डोमेन को यूज़ करके भी एडसेंस का अप्रूवल लिया। तो मेरे भाई यहाँ पे मैटर नहीं करता, आपकी डोमेन फ्री है, आपकी डोमेन पेड है, मैटर नहीं करता। इसके ऊपर भी पहले से मैं वीडियो बना चुका हूँ कि पेड और फ्री डोमेन के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल लेना ईजी है, क्या पेड पे ईजी है या फिर फ्री पे ईजी है, इसके ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है। लेकिन अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाओ अभी कभी उस वीडियो को देख लो। तो चलो यार इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको टेम्पलेट्स का लिंक यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, जाके कोई भी एक टेम्पलेट यूज़ कर लेना। लेकिन अगर आपको उन टेम्पलेट की कस्टमाइजेशन करनी नहीं आती, मुझे कमेंट्स में बताना, वीडियो को लाइक कर देना, मुझे पता चले यार कितने लोग इस वीडियो से इंप्रेस हो गया। लेकिन अगर आपको टेम्पलेट की समझ नहीं आती कैसे यूज़ करना है, उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियोस बना रखी है कस्टमाइजेशन के ऊपर, टेम्पलेट की कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, पूरी की पूरी वीडियोस बना रखी है, उनका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाके देख लेना, आपके लिए कोई भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, बहुत ईजी काम है, जाके कर लेना। तो चलो यार इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली दफ़ा आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे साथ कोई पर्सनल बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो अपनी वेबसाइट के रिलेटेड, तो यार अभी कभी जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और मैसेज करो मुझे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा।